हेलो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल फॉर योर फीडबैक। बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया, तुम सब ने अलग अलग टॉपिक भी यूज़ किए, सो थैंक यू फॉर दैट। लेकिन सबसे ज़्यादा तुम लोगों ने जो पूछा है वो है फ़ोटो एडिट करना यूजिंग स्नैपसीड एंड फोटोशॉप एक्सप्रेस। सो आई विल स्टार्ट विथ दैट। एक ही वीडियो में पूरा कवर नहीं कर सकता, तो पहला वीडियो में आपको सिर्फ फ़ोटोज़ को कैसे प्रीसेट में यूज़ करके सेव करना है और कैसे आपका लोगो उसको डालना है आपके फ़ोटोज के ऊपर, वो मैं सिखाऊंगा यूजिंग फोटोशॉप एक्सप्रेस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो फर्स्ट आपको प्ले स्टोर जाना है, तो यहाँ पे सर्च में फोटोशॉप एक्सप्रेस टाइप करो या तो फिर फोटो एक्सप्रेस। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसीलिए मुझे ये वाला लोगो रहेगा, तो वो वाला ओपन इट। तो आपको इंस्टॉल करना है। फर्स्ट आपको इंस्टॉल करने के बाद ऑप्शन पूछेगा साइन इन यूजिंग फेसबुक और गूगल अकाउंट, तो आपको जो चाहिए उससे साइन इन कीजिए और लॉग इन कीजिए। तो आप रिसेंट फ़ोटो में आपको कौन सा भी यूज़ कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पे जो ऊपर है तो यहाँ क्लिक करके आपको आपके फोल्डर एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं तो अभी रिसेंट फ़ोटोज़ कर लिया, फ़ोटोज़ अभी मेन्यू में आ गए, सो आई विल जस्ट गो विद इट। सो ये जो यहाँ पे जो नीचे मार्क दिखाई दे रहा है वो कॉलाज के लिए है, तो आप 1, 2, 3 फोटो सेलेक्ट करके आप कॉलाज भी कर सकते हो। आई विल कवर दैट इन नेक्स्ट चैप्टर। तो पहले आपको फ़ोटो सेलेक्ट होने का जो मुझे अभी एडिट करना है, सो दिस वन। तो आप जैसे ही फ़ोटो सेलेक्ट करोगे तो आपको ये वाला इंटरफेस मिलेगा। सो पहले जो टॉप में जो आपको दिख रहा है ये वाला जो है अनडू करने के लिए, जो आप जो भी मिस्टेक किया हो उसको क्लिक करने के बाद अंडू हो जाएगा। अभी ऑफ है, ग्रे कलर में है वो ऑफ है, और जो वाइट है वो अवेलेबल है, तो इसीलिए वो अनअवेलेबल है क्योंकि मैं अभी तक इमेज में कुछ एडिट नहीं किया हूँ। और सेकंड वाला है रीडू, और थर्ड वन जो है ऑटो करेक्ट करेगा, और फोर्थ वन है वो आपको कंपैरिजन करेगा जो एडिट किया हुआ और ओरिजिनल पिक में क्या डिफरेंस है। और जैसे आपको सब सेटिस्फाई हो एडिटिंग से तो आप नेक्स्ट बटन कीजिए, तो आप इमेज को सेव कर सकते हैं। बट एनी वेज, उसके बाद यहाँ पे नीचे आएगा ये जो पार्ट, तो ये वाला जो है प्रीसेट का मेन्यू है। तो आप नॉर्मल फ्री चार्म, वाइट बैलेंस, ब्लैक एंड वाइट, पोर्ट्रेट, नेचर, स्प्लैश, तो सो सिर्फ आज मैं आपको ये सब ऑप्शंस बोलने वाला हूँ। तो उसके नीचे जो आपको फिर दिखाई देगा ये सारे ऑप्शंस, तो सॉरी यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, आई विल क्लोज इट। तो बेटा, क्रॉप, एडजस्टमेंट लिए आई कवर इट वन बाय वन। तो पहले हम जाते हैं नॉर्मल पे, तो आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको डिफरेंस पता ही देगा। और ये जो स्लाइडर है इससे आप लेवल को एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि ज़्यादा होगा या तो फिर कम, इसका इंटेंसिटी कितना है वाइब्रेंट का वो एडजस्ट कर सकते हो। तो आप एक बहुत सिंपल है ये, आपको अगर समझ लो आप कौन सा भी फोटो क्विक में एडिट करके आपको पोस्ट करना है, सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेगा, सो या चेक कीजिए, आपको पता चलेगा। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो यहाँ पे जो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो ऑप्शन है स्प्लैश का, तो इस पर पर्टिकुलर कलर को उतना ही हाईलाइट करता है, जैसे कि सब यहाँ पे ऑरेंज, तो पूरा इमेज में जो ऑरेंज है उतना ही दिखेगा। एक्वा कलर ब्लू, मेरे सीन में कोई ब्लू नहीं है सो स्काई छोड़ के, तो सिर्फ आपको स्काई उतना ही दिखाई देगा, थोड़ा बहुत ब्लू या ग्रीन, देखिए येलो सब गायब हो जाएगा, सिर्फ ग्रीन उतना हाईलाइट होगा। आपको कुछ भी करेक्शन करना है या तो गलत कर दे तो आप बैक भी दबा सकते हो, बैक दबाने से पूरा सेट हो जाएगा। और कंपेरिजन जैसे मैं आपको कहा था ओरिजिनल ये देखना है, तो ये वाला ऑप्शन क्लिक कर सकते हो, आपको दिखाई देगा ओरिजिनल और एडिट के में डिफरेंस। तो आई विल गो विथ द सेकेंड ऑप्शन, वाइब्रेंट, सो आई क्लिक ऑन दैट, और इसका इंटेंसिटी जितना चाहिए उतना कर सकता हूँ। वंस आई एम हैप्पी आई क्लिक ऑन द नेक्स्ट ऑप्शन। ओके, तो नेक्स्ट करने के बाद आपको ये वाला मेन्यू दिखाई देगा, तो आपको समझ लो आपको वाटरमार्क ऐड करना है, तो क्लिक हियर ये वाला ऑप्शन पे, वहाँ पे आपको मिलेगा वाटरमार्क। तो वाटरमार्क करने के बाद ये जो डॉट्स है हर कोने में, 1, 2, 3, 4,
जहाँ पर क्लिक करेगा आपका वाटरमार्क उस पॉइंट पर आएगा। सिंस मेरे कैमरा में ऑलरेडी मेरा वाटरमार्क आता है मेरे नाम के साथ, तो मैं सिर्फ यहाँ पे पीएस का फ़ोटो, फोटोशॉप का फ़ोटो डाल चुका हूँ। सी यू कैन चेंज इट हियर। अगर आपको आपका नाम का फ़ोटो चाहिए, आई मीन वाटरमार्क चाहिए, सो क्लिक ऑन द टेक्स्ट ऑप्शन हियर। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे, सो मैंने ऑलरेडी अपना नाम डाल चुका हूँ, और ये जो ऑप्शन है क्लिक करके आपको यहाँ पे मिलेगा, दिस वन सी दो से ओके। और यहाँ पे साइज कर सकते हो, और ये वाला ओपेसिटी, सिर्फ आपको स्लाइड करना है और कुछ नहीं। तो मैं अपना साइज़ कम कर देता हूँ, ओपेसिटी ज़्यादा करो या कम करो। सो वंस यू आर हैप्पी, क्लिक ऑन बैक ऑप्शन जो ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में, एंड डन। आपको इमेज में थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे दिखाई देगा, होपफुली यू कैन सी। सो आप वंस यू हैप्पी जस्ट सेव टू गैलरी, अपने आप गैलरी में सेव हो जाएगा। सो दिस इज़ अ फास्टेस्ट वे टू एडिट योर फोटो इन फोटोशॉप एक्सप्रेस। आपको बस फोटो इंपोर्ट करना है, प्रीसेट में जो आपको इफेक्ट अच्छा है वो सेलेक्ट करो, उसका इंटेंसिटी ज़्यादा कम कर दो, एड योर वाटरमार्क इफ़ यू डोंट हैव, सो वाटरमार्क ऐड कर दो, एंड या सेव टू गैलरी। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको इमेज को क्रॉप कैसे करना है और एडजस्टमेंट लेयर में कलर करेक्शन मैन्युअली कैसे करना है, आई विल टीच यू दैट। थैंक यू वेरी मच, एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर।